वरिष्ठ अध्यापक का पेपर देके फ्री हुआ दिसंबर के अंदर। तो दिसंबर के अंदर फ्री हुआ तो मेरे लड़के की डेथ हो गई थी। 2021 के अंदर जब मैं तैयारी कर रहा था तो उससे पहले ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। वैसे मेरा गणपत जी के ऊपर बहुत विश्वास है। मैं मतलब इनके यूट्यूब के अंदर मोटिवेशनल वीडियो या फिर स्टेट जी वाले वीडियो या फिर कोई ऐसे वीडियो आते हैं तो मैं हमेशा देखता ही रहता हूँ। आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने बहुत घर वालों को कहा ये जो लड़का है ये पढ़ेगा नहीं आगे, इससे मतलब दसवीं पास भी नहीं हो रही है, बाई ग्रेस आ रहा है गणित के अंदर। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं भवन सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। मेरे साथ में है लजपत जी राठौड़, जिन्होंने अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड इसके साथ साथ आरएएस प्री क्लियर किया है, जिनकी स्ट्रगल स्टोरी और स्ट्रेटेजी जान के आप काफ़ी इंस्पायर्ड होने वाले हैं। तो सबसे पहले लजपत जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो लजपत जी सबसे पहले आप अपने स्कूलिंग वगैरह के बारे में बताइए। जी सर, मेरा गाँव है पूंजा सर। अच्छा, मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है मेरे गांव के अंदर ही और 10वीं 12वीं के साथ साथ 10वीं में मेरा बाई ग्रेस में पास हूँ। बाई ग्रेस के अंदर पास हूँ, गणित के अंदर मेरा बाई ग्रेस है। फिर 12वीं के अंदर मेरे 58% है। फिर मैंने बाड़मेर पीजी कॉलेज के अंदर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के साथ 55% के साथ मैंने ग्रेजुएशन पास किया। उसके बाद मैंने पोकरण टीटी कॉलेज से बीएड की। पोकरण टीटी कॉलेज से बीएड की, बीएड के अंदर मेरे 82% हैं, ठीक है। और फिर 2021 के अंदर रीट की वैकेंसी आती है, रीट की वैकेंसी आती है 2021 के अंदर। 2021 के अंदर मैंने अपेयरिंग के साथ रीट 2021 की तैयारी की। मेरी बीएड अपेयरिंग चल रही थी, मतलब फर्स्ट ईयर ही हुई थी, फर्स्ट ईयर हुई थी और मैंने रीट की तैयारी स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद सेप्टेम्बर 2021 के अंदर रीट का एग्जाम हुआ, एग्जाम हो गया। और एग्जाम होने के बाद इसका रिजल्ट आया था, 2-3 महीने बाद रिजल्ट आया था। मेरे मार्क्स आए थे 131 मार्क्स आए थे टेट के अंदर। फिर फरवरी 2022 के अंदर वो भर्ती कैंसिल हो गई, टेट वाली भर्ती कैंसिल हो गई। हाँ, मैं इस भर्ती से बाहर हो गया। और भर्ती कैंसिल होने के बाद फरवरी 2022 के अंदर भर्ती कैंसिल हुई और मार्च 2022 के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। शादी फिक्स हो गई, मतलब भर्ती कैंसिल हो गई और घर वालों ने शादी फिक्स कर दी, ठीक है। उसके बाद मार्च में मेरी शादी हो गई। मार्च में शादी होने के बाद अप्रैल में मैं निकल गया फिर पढ़ाई के लिए। अच्छा, यहाँ निकल गया बाड़मेर के लिए। अप्रैल में निकल गया, अप्रैल और 5-6 महीने 7 महीने मैंने फिर स्ट्रगल किया, पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद अक्टूबर 2022 के अंदर स्कूल व्याख्याता का पेपर लगा। स्कूल व्याख्याता का पेपर लगा अक्टूबर 2022 के अंदर। और अक्टूबर 2022 के अंदर स्कूल व्याख्याता का मैंने पेपर दिया। उसके बाद दिसंबर 2022 के अंदर वरिष्ठ अध्यापक का पेपर लगा, वो पेपर दिया। और उसके बाद फरवरी 2022 के अंदर 23 के अंदर फरवरी 2023 के अंदर रीट लेवल या मतलब अध्यापक भर्ती लेवल 2 का पेपर लगा, वो मैंने पेपर दिया। उसके बाद फिर सेकेंड ग्रेड वैकेंसी रद्द हो गई, पेपर आउट हो गया, जिसके कारण वरिष्ठ अध्यापक का प्रथम प्रश्न पत्र वो मतलब रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद मतलब उसको फिर से दोबारा दिया, पेपर को फिर से दोबारा दिया। और दोबारा देने के बाद उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए और मेरे 360 मार्क्स आ रहे हैं दोनों, मतलब फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों को मिलाकर 360 नंबर आ रहे हैं। ऑल राजस्थान 10वीं रैंक, ऑल राजस्थान 10वीं रैंक। और संस्कृत विद्यालय वाला, वो संस्कृत विभाग वाला भी एग्जाम हुआ था फरवरी 2023 के अंदर, उसमें भी मेरे इससे ज्यादा नंबर आए हैं, 360 इसमें आ रहे हैं तो उसमें 380 नंबर आ रहे हैं। मेरे को उम्मीद है कि आप रैंक निकालने वाले हैं, मतलब राजस्थान टॉप होगा मेरा संस्कृत विभाग के अंदर, 144 पोस्ट है उसमें। मेरे को उम्मीद है कि मेरा पूरा ऑल राजस्थान टॉप होगा। अच्छा, उसके बाद आपका फर्स्ट ग्रेड भी दिया आपने। हाँ, उसमें क्या हुआ फिर? फर्स्ट ग्रेड दिया तो उसमें सर क्या हुआ, मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम तो दिया अक्टूबर 2022 के अंदर और मैंने फॉर्म भरा एमए का जनवरी 2023 के अंदर। अभी मेरे एमए फर्स्ट ईयर भी नहीं हुई है, फिर भी मैंने ऐसे एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा था। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में कर रहे हो ना? हाँ,
एग्जाम देने के लिए सिर्फ भोरम भरा था, और इसमें भी हो रहा है इसमें भी आपका। हो गया। 236 मार्क्स आ रहे हैं और हमारी एससी की कट ऑफ गई थी 225 फाइनल, हिस्ट्री की एससी की 200। 225 गई है। हाँ, और मेरे मार्क्स आए थे 236। आरपीएससी ने, मैंने मेरे को मतलब बार बार लेटर भेज रही थी कि आप आओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, लेकिन मेरे पास तो डिग्री एमए की थी, डिग्री एमए नहीं थी थी अच्छा नहीं, की। इसलिए मैं गया नहीं और फाइनल रिजल्ट के अंदर मेरे को शामिल किया नहीं। तो आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ये सब किए, तो आप किस संस्थान से जुड़े रहे? कोचिंग की, सेल्फ स्टडी, बुक्स वगैरह क्या रहा आपका सर, स्ट्रेटजी वगैरह, थोड़ा शेयर कोचिंग करें। तो मैं, ऑफलाइन कोचिंग तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं की। अच्छा, हाँ, कभी नहीं की। कभी नहीं की मैंने ऑफलाइन कोचिंग, तो मैंने जिंदगी के अंदर नहीं की। ऑनलाइन ऑनलाइन के अंदर मैं जुड़ा रहा, टेस्ट सीरीज के अंदर जुड़ा रहा, सर गणपत जी से मैं जुड़ा रहा हूँ। करी। उन्होंने मतलब वो, मेरा एक दोस्त है, उनका कोर्स लिया होता है एसएसटी का, गणपत जी से मतलब सक्सेस पॉइंट से। तो मेरे को क्या, इकोनॉमिक्स की बहुत प्रॉब्लम थोड़ा टफ होती थी, लगी, टफ लगता था। तो मेरे दोस्त ने बताया कि सर गणपत जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको थोड़ी हेल्प समझ, ले लेंगे। थोड़ा हेल्प मिल जाएगी आपको, मतलब 18 सवाल आते हैं उसमें 15 सवाल आपके सही हो जाएंगे। तो मैंने गणपत जी से इसको इकोनॉमिक्स का ऑनलाइन कोर्स पढ़ा, तो उसमें सेकंड ग्रेड के अंदर 18 से एक सवाल आए थे, मेरे 14 एक सवाल सही हो गए अच्छा, तो इसके अलावा बाकी मतलब सब्जेक्ट जो है वो आपने किसी ऑनलाइन कोर्स वगैरह से लिया या फिर कोई बुक्स वगैरह पढ़ के ही? थे। नहीं, मैंने बाकी वाला ऑनलाइन कोर्स कुछ नहीं लिया, बाकी वाले मैंने एसएसटी के अंदर 60 सब्जेक्ट आते हैं, 8 के अंदर मैंने सिर्फ एक का ऑनलाइन कोर्स लिया था, बाकी मैंने किताबों से मेंटेन किया, सब किताबों से सब पढ़ा किताबों खुद से से, मेंटेन किया। और फिर फर्स्ट ग्रेड में वही फर्स्ट किताबों से ग्रेड के पढ़े, अंदर थर्ड मैंने किताबों से मेंटेन किया, ग्रेड में भी किताबों से। थर्ड ग्रेड में भी किताबों से मेंटेन किया। अच्छा, तो सेकंड ग्रेड में, जैसे फर्स्ट ग्रेड में आपने में से कौन सी किताब पढ़ी? फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैंने प्राचीन भारत के अंदर, सर ने ही बताई, गणपत जी ने, वही अच्छा मैंने उनको फॉलो किया। इनके मतलब बहुत यूट्यूब के अंदर वीडियो बनाए हुए हैं कि हाँ भाई आपको सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करनी है सामाजिक विज्ञान के अंदर, तो आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए। वो अगर आप सब। स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी वो चाहिए। सब अच्छे से सर की काम कर बस सब गई, बताई हुई है यूट्यूब पर, रणनीति सब बताई हुई है, और सेकंड ग्रेड की भी बताई हुई है, सेकेंड ग्रेड की भी बताई। मैंने उसको फॉलो किया, सर की उसको ही वो, फॉलो किया। ओके, हाँ सर की रणनीति को फॉलो किया है। मतलब ये थोड़ा ना मतलब काफी आश्चर्यजनक लगता है कि मतलब आपने कोई कोचिंग नहीं की और सिर्फ बुक्स पढ़ के आपने जो है सक्सेस पाई, और एक एक भी नहीं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों क्लियर करी। इसके साथ साथ आपने आरएसपी भी करा है, सच में, और बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि बुक्स में इतना सारा कंटेंट होता है, ठीक है, उनको सबको मतलब कलेक्ट करना, नोट्स बनाना वगैरह, तो आपकी क्या मतलब आपने कैसे उन चीजों को अप्रोच दी, पेपर लगा के दी, आप क्या किया? देखो सर, बुक के अंदर बहुत मैटर होता है, बुक के अंदर तो बहुत वही तो, मैटर बहुत होता बढ़िया है, चीज है, लेकिन टाइम भी बुक लगता है। बुक को आप एक अच्छे तरीके से एक बार तो पढ़ लो, उसके बाद उसमें जो अपना काम का मैटर है उसको शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख दो अपने रजिस्टर के अंदर। जैसे हम जैसे टॉपिक पढ़ते हैं महाराणा प्रताप पढ़ते हैं, तो महाराणा प्रताप के अंदर तो बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन एग्जाम पैटर्न के अंदर देखें, एग्जाम पैटर्न के अंदर देखें तो महाराणा प्रताप से संबंधित क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं बस अब उनको शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख देता था एक पन्ने के अंदर। जैसे महाराणा प्रताप का टॉपिक तो 4-5 पन्ने में पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं तो उसको 2 पन्ने या 1.5 पन्ने के अंदर समेट देता था शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। और ये अप्रोच कहाँ से आई? मतलब ये अप्रोच सर मैं खुद ने डेवलप किया है। आपने काफी पेपर्स वगैरह, एग्जाम्स वगैरह दिए, तभी आपको पता चला कि मतलब ये कैसे सवाल आ रहे हैं आपके, कहाँ से हाँ, उठ रहे हैं। मैं तो आरपीएससी के अंदर साइड के ऊपर इतने सारे पेपर है, ऐसा पेपर मैंने छोड़ा नहीं आरपीएससी की साइड के ऊपर, सब पेपर मैंने डाउनलोड करके प्रिंट करके और सब उन पेपरों को पढ़ा है कि भाई आज के पैटर्न में कैसे सवाल आ रहे हैं, पूरा आरपीएससी का पैटर्न पूरा देख लिया आपने। देख लिया। तो आपने ये सब किया, सोशल मीडिया वगैरह पे आप एक्टिव नहीं थे शायद, है ना? हाँ सर, मैं सोशल मीडिया का बिल्कुल एक्टिव नहीं था। तो आप बोर होते थे वैसे, तब आप क्या करते थे डेली रूटीन जैसे में, क्या करते सर थे? मैं सुबह उठता था 6 बजे, 6 बजे उठने के बाद चाय बनाता था, चाय पीने के बाद किताब लेकर बैठ जाते थे टेबल के ऊपर। शादी हो गई थी ना आपको, हाँ चाय तो बनी मिलनी चाहिए ना आपको। नहीं, मैं बाहर रहता अच्छा, कहाँ रहते? था, बाहर चौटन रहता था, अच्छा, चौटन रहा, बाड़मेर रहा, सेडवा रहा, पोकरण रहा, मतलब बहुत जगह रहा मैं। तो सुबह उठकर 6 बजे चाय बना के पी के फिर टेबल के ऊपर बैठ जाते थे। और मेरा एक मित्र है जो मेरे रूम पार्टनर रहा है, तो उसने भी ऑल राजस्थान टॉप किया है हिंदी के अंदर, वरिष्ठ अध्यापक के अंदर।
सुरेश दैया नाम है उसका, मतलब हमने तैयारी की उस टाइम, फोन पर भी बात होती रहती थी उनसे, वो मेरे को गाइड करते थे कि ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, मैं भी उनको गाइड करता था कभी कभी। डेली कितने घंटे पढ़ते आप? डेली सर मैं तो जब मैंने 6 महीने तैयारी की थी वरिष्ठ अध्यापक की, तो मैं 12 घंटे डेली पढ़ता था, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था, 12 घंटे टुकड़ों टुकड़ों में ना, हाँ जैसे सुबह का टाइम अलग कर दिया, सुबह का टाइम अलग कर दिया, शाम का अलग कर दिया। बोर होते तब? बोर होते थे तो सब बैठे रहते थे, कोई टीवी टीवी भी या फिर फिल्म विल्म देख देते थे। सही, काफी सिंपल रहा है ना। हाँ तो एक चीज मैं आपसे पूछने भूल गया कि आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह? सर फैमिली को मेरे को बहुत सपोर्ट रहा है। हाँ जब मैं 2021 के अंदर रीट का मतलब तैयारी कर रहा था, जिंदगी का पहला कंपटीशन एग्जाम था 2021 वाला मेरा रीट का, उससे पहले मैंने कभी कंपटीशन एग्जाम भी नहीं दिया। 2021 के अंदर जब मैं तैयारी कर रहा था तो उससे पहले ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। हाँ उससे पहले ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मैं बहुत टूट गया था। इफेक्ट हो गई हाँ होगी काफी। मतलब परिवार का जब सदस्य जाता तो प्रभाव तो पड़ता है लोगों के ऊपर। फिर 2 महीने मैं घर आ गया, 2 महीने घर आ गया, 2 महीने मेरे मम्मी के जाने के बाद, 2 महीने बाद ही रीट 2021 का पेपर लगा था। दो महीने बाद ही मेरा मम्मी का मतलब जाने के बाद 2 महीने बाद ही पेपर लगा था। फिर भी आपने ऊपर फिर भी मतलब मैंने अच्छा मतलब स्कोर किया। अच्छा स्कोर प्राप्त किया, 131 नंबर कम नहीं होते हैं 150 के अंदर। तो उसके बाद लगातार प्रयास जारी है अभी। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में हुआ, सेकंड ग्रेड भी हुआ, थर्ड ग्रेड भी हुआ, आरएस प्री तक भी सफर तय कर लिया। अभी मैं मेंस की तैयारी भी कर रहा हूँ, आरएस मेंस की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ, जो मैं जैसे ही वरिष्ठ अध्यापक का पेपर दे के फ्री हुआ, वरिष्ठ अध्यापक का पेपर दे के फ्री हुआ दिसंबर के अंदर, तो दिसंबर के अंदर फ्री हुआ तो मेरे लड़के की डेथ हो गई थी। क्या हुआ? लड़के की मतलब डिलीवरी हुई थी, तो उसके अंदर लापरवाही बरत दी डॉक्टर ने, इससे उसकी डेथ हो गई। 5-7 दिन वहाँ वहाँ रुका। इस टाइम मैं आरएस की तैयारी कर रहा था फ्री की, लेकिन वो लड़के की डेथ हो गई। उसके बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के माध्यम से मतलब थोड़ा दिमाग काफी से दुखी गए हाँ होंगे ऐसा हो गया। तो इससे। फिर भी मैंने मतलब 15 दिन तैयारी की आरएस की, 15 दिन तैयारी की बिना मतलब किसी सपोर्ट के बिना, मतलब कोई मैंने कोर्स नहीं लिया, कोई मैंने किताब नहीं ली, ऐसे ही मैंने मतलब अपने स्तर पर तैयारी की आरएस प्री की। तो फिर भी मेरे 105 नंबर के आने के बाद जनरल के अंदर हो गया, मेरा आरएस प्री भी एग्जाम हो गया। अभी मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने बताया स्कूलिंग टाइम के आपने परसेंटेज बताए, 10th के बाय ग्रेस पास और 12th के कुछ परसेंटेज बताए थे आपने, बहुत काफी मतलब कम एवरेज परसेंटेज है। तो उसके बाद आपकी फैमिली ने ये नहीं कहा कि आप शायद गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी नहीं कर सकते हो या योग्य नहीं हो? अक्सर हमें ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन सर ऐसा मेरे घर वालों ने मेरे को कभी नहीं कहा, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जैसे आस पड़ोस के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत घर वालों को कहा, ये जो लड़का है ये पढ़ेगा नहीं आगे, इससे मतलब 10वीं पास भी नहीं हो रही है, बाई ग्रेस आ रहा है गणित के अंदर, 12वीं के अंदर फर्स्ट डिवीजन भी नहीं बन रही है, ये क्या पढ़ेगा आगे जाके। लेकिन सर मैंने वो दिमाग में कभी बात नहीं ली और आगे अपना प्रयास जारी रखा, अनवरत प्रयास जारी रखा। बीए मैंने यहाँ पर 3 साल रेगुलर रखे, मतलब हार्डवेयर के अंदर अंदर रहकर की, और उसके बाद बीएड करके, उसका परिणाम आज हम सब देख ही रहे हैं। हाँ उसका परिणाम आपके सामने आज। और अभी काफी लोग जो है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैंने पर्सनल तैयारी वरिष्ठ अध्यापक की थी, सामाजिक विज्ञान की, मैंने कोई थर्ड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं की पर्सनल, मैंने सिर्फ वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी की थी पर्सनल। उसके अंदर देखो वरिष्ठ अध्यापक का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर आपका मतलब फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो जाता है, और अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सब्जेक्ट मजबूत है तो आपका उसमें भी हो जाता है, सब्जेक्ट के अंदर हो जाता है, और फर्स्ट पेपर तो हो ही जाएगा फर्स्ट पेपर वो। तो वरिष्ठ अध्यापक के साथ भी हो जाएगा। मेरा भी ऐसा हुआ है, वरिष्ठ अध्यापक की मैंने तैयारी की, फर्स्ट पेपर तो मेरा उसमें हो गया वरिष्ठ अध्यापक वाले में, और सेकंड पेपर तो मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट तो पहले से स्ट्रांग है, बीए से भी स्ट्रांग है। तो अभी हमारे जो युवा लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको सर मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पहली बात तो वो सोशल मीडिया से दूर रहे। आज के मतलब जमाने के अंदर बहुत सारे ग्रुप बने हुए सोशल मीडिया के ऊपर, हाँ उसमें जैसे टेलीग्राम है, कभी कई कई लोगों ने ऐसा ग्रुप बना दिए, वीडियो भेज दी, इसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ो। मैं तो कहता हूँ कि किताबों से अच्छा कुछ नहीं है, किताबों के अंदर जो आपको ज्ञान मिलता है
ऐसा मतलब कहीं भी नहीं मिलता है। भटकाव से अच्छा यही है कि किसी एक सोर्स पर बिलीव किसी एक सोर्स पर आप बिलीव करो, या फिर किसी एक कोचिंग पर आप बिलीव करो, या फिर किसी एक किताब के आप ऊपर बिलीव करो। कोई पढ़ रहा है कलाम की किताबें, कोई पढ़ रहा है किसी और की किताबें, मतलब अलग अलग कोर्स कंटेंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मतलब एक ही कंटेंट पढ़ो, उसके ऊपर विश्वास रखो। या तो कोचिंग से पढ़ रहे हो तो कोचिंग वाले कंटेंट के ऊपर विश्वास रखो। मैंने भी सर के ऊपर विश्वास किया था। मेरी इकोनॉमिक्स बिल्कुल कमजोर थी, लेकिन सर ने पढ़ाया, उसके बाद तो 18 में से 14 सवाल मेरे से हो गए थे। तो मैंने विश बिलीव किया सर के ऊपर कि सर मतलब हो जाएगा ऐसा मेरा। फिर बाकी भी आपने निकाला ही आप, ना कुछ। कोई ऐसा टीचर है, कोई ऐसा मतलब है उसके ऊपर आपका बिलीव है, विश्वास है, तो आप मतलब कर सकते हो। जैसे मेरा गणपत जी के ऊपर बहुत विश्वास है। मैं मतलब इनके यूट्यूब के अंदर मोटिवेशनल वीडियो या फिर स्ट्रेटजी वाले वीडियो या फिर कोई ऐसे वीडियो आते हैं तो मैं हमेशा देखता ही रहता हूँ। सही बात, सर बच्चों को राह देते, सर मेरे भटकाते मतलब नहीं है। मार्गदर्शन मार्गदर्शक रहे हैं हमेशा से। सही बात है। तो लजबत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म के लिए अपना अमूल्य समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही कुछ और सक्सेस स्टोरी के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी।